नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका चैनल स्मार्ट टेलीकॉम। अभी तक हमारे आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। हेलो दोस्तों। हेलो सर, आज मेरे पास एक वाईफोन लाइट का फ़ोन है। ये नो सर्विस आ रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसमें एयरटेल की सिम डाली हुई है और इसमें नो सर्विस आ रहा है हमारे एयरटेल सिम में। और इसका IMEI नंबर ओके है और इसका बेसबैंड चेक कर लेते हैं। टच छोड़ो, और इसका बेसबैंड अपना, इसका बेसबैंड भी ओके है। ये देखो दोस्तों, इसके ओपन करते हैं दोस्तों। जैसा कि दोस्तों मैंने चेक कर लिया, यहाँ पे एक भी कंपोनेंट यहाँ पे ओपन नहीं है। और मैंने PFO पर चेक भी कर लिया यहाँ पे कि यहाँ पे वोल्टेज भी आ रहा है 4 वोल्ट। और फर्स्ट मैं क्या करूँगा, और इसको पहले रिबॉल करूँगा, नहीं हुआ तो फिर चेंज करके देखूँगा। जैसा कि दोस्तों ये WTR2965 है, इसको पहले हम रिबॉल करेंगे, और नहीं नेटवर्क नहीं आता है तो फिर इसको हम चेंज करेंगे। दिख नहीं रहा हो क्लियर, जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं आप, इसको मैं निकाल चुका हूँ। जैसा कि दोस्तों मैंने रिवॉल्व किया और इसको लगा दिया हूँ। इसको दोबारा फोन पे बांधता हूँ। दोस्तों मैंने इसको रिवॉल्व करके लगा दिया हूँ, बट इसमें ना फ्लैक्चुएट हो रहा है नेटवर्क। देखो अभी 2 है, 1 हो गया, फिर 2 हो गया। ये कभी फुल हो जाता है, कभी कुछ भी नहीं रहता है। तो मैंने सिम भी चेंज करके देख ली, जियो की डाली थी अभी, उससे भी कुछ नहीं हो रहा है, सेम वैसे ही हो रहा है। एक बार इसको चेंज करके देखता हूँ, अभी कुछ भी नहीं है। देखो सर, अभी कुछ भी नहीं है, एक पॉइंट आ गया है, फिर चला गया। अभी इसको मैं दोबारा चेंज करता हूँ इसको WTR। अभी मेरे पास दूसरी IC है एक, ये देखो इसको डालता हूँ। जैसा कि दोस्तों ये मैंने अभी लगाई थी IC, इस पे नेटवर्क फ्लक्चुएट कर रहा था, तो इसको हटा के मैं एक सेम नंबर की IC लगा रहा हूँ, 2965। तो दोस्तों मैंने इसमें WTR चेंज कर दिया, फिर भी फ्लक्चुएट ही कर रहा था, तो मैं इसको एक बार 3G पे सेट करता हूँ। यहाँ पे 3G पे करता हूँ इसको, फिर देखता हूँ। जैसा कि 3G पे सेट हो गया ये, और जैसा कि देख लो सर, और ये 3G पे फुल हो गया है नेटवर्क। इस पे ये स्टेबल है, फ्लैक्चुएट भी नहीं कर रहा इस पे। और इस पे सर मैं PFO चेंज करूँगा इसका। जैसा कि मेरे पास स्क्रब बोर्ड है, मैं इससे निकालूँ, इसमें डालूँगा। ये फ्लैक्चुएट नहीं कर रहा, प्रॉपर नेटवर्क है इसमें, फुल है, एक भी पॉइंट कम नहीं है। पहले तो मैं इसके PFO को रिसोल्ड करूंगा। PFO नंबर है हमारा, देख लिया इसमें। जैसा कि आप देख सकते हैं PFO नंबर है हमारा RF5212। दोस्तों आप देख सकते हैं नेटवर्क प्रॉपर आ चुका है दोनों का, मैंने PFO चेंज कर दिया है और ये PFO निकाल रखा हूँ मैं। इसको इस बोर्ड से निकाला था और इस स्क्रब बोर्ड से मैंने लिया था। इसमें ये देख सकते हैं दोस्तों,
इसका मैं IMEI नंबर चेक करके दिखाता हूँ आपको, एक मिनट। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये है पेफू दोस्तों, ये वाला। और दोस्तों आप देख सकते हैं मेरी दुकान दोनों तरफ से बंद है, ये दो शटर हैं मेरी दुकान में, और कोरोना की वजह से दुकान बंद चल रही है, दुकान के अंदर काम करना पड़ रहा है। ये दोस्तों नेटवर्क फुल है, थैंक्स फॉर एशिया टेलीकॉम, थैंक यू सर।